खबर सुहागपुर से। कन्याशाला सुहागपुर में प्रिंसिपल सुरेश चौधरी द्वारा लाडली लक्ष्मी को दिया गया दंड। कन्याशाला सुहागपुर में लाडली लक्ष्मी को कानून तोड़कर शारीरिक मानसिक दंड और शर्मसार जैसी घटना सामने आई। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को ध्वस्त करते हुए कन्याशाला स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश चौधरी, साथ ही ठंड के समय में जब शिक्षक कक्षाओं में बैठना पसंद नहीं करते तो बेटियों से टेबल कुर्सी प्रतिदिन बाहर रखवा ही जाते हैं और अंत में वहीं बेटियाँ टेबल कुर्सी अंदर रखती हैं। इस घिनौनी मजदूरी से बचने के लिए जब छात्राएं लेट आती हैं तो उन्हें शारीरिक मानसिक दंड को देकर शर्मसार किया जाता है। ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को रौंदा दिखाई देती हैं। कन्याशाला कक्षा 12वीं तक संचालित होता है, अर्थात किशोरी बालिकाएं भी स्कूल में अध्ययन कर रही हैं। जिनकी अपनी निजी समस्याएं होती हैं वो कैसे अपनी निजी समस्याएं प्रिंसिपल के साथ साझा कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हम देख सकते हैं कि छात्राओं को जब इस प्रकार से दंडित किया जा रहा है तो उन्हें और भी कितना प्रताड़ित या दंड दिया जाता होगा, ये कल्पना करने वाला विषय है। ये वीडियो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित विषय पर भी संजीव दुबे से बात की गई, घटना से अवगत कराया तो उन्होंने मामले की जांच कर दोषी को सजा देने की बात कही। साथ ही मीडिया द्वारा खबरों के माध्यम से प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है। केवल यही नहीं, कन्याशाला सुहागपुर में पेड़ों को भी बिना अनुमति काट दिया गया, जबकि देखा जा रहा है कि प्रदेश में वृक्षों के संरक्षण के लिए भी अभियान संचालित है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधारोपण करते हैं, वहीं कन्याशाला स्कूल में प्रिंसिपल सुरेश चौधरी द्वारा पेड़ों को काट दिया गया। सर, कन्याशाला स्कूल में बच्चों से काम कराने का मामला आया है और बच्चों को उठक बैठक जैसी दंड दिया है, कार्रवाई नहीं? ये मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ और हम समय समय पर शासन प्रशासन निर्देश जारी करते हैं और सभी को ये पता है कि बच्चों को दंड नहीं देना है, दंड पर रोक है। लेकिन ये कैसे हुआ क्या हुआ मैं इसको दिखवाता हूँ। क्या कार्रवाई संग्रह तो नहीं, यदि किसने ऐसा किस प्रकार से क्या दंड दिया है क्या बात थी, मैं पूरे तथ्य लेता हूँ साथ में और फिर पहले स्वयं संज्ञान में लूँ सारी चीज़ों को। और यदि किसी ने किया निश्चित रूप से ये गलत है, इस पर मैं ज़रूर चिखाड़ कार्रवाई के लिए लिखूँगा यदि कोई दोषी है तो। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।